कैसे आप सभी? आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, हम पिछली वीडियो में टॉर्क को देख चुके थे कि टॉर्क क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल। तो आज हम उसी का ही एक एप्लीकेशन करेंगे। जो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास में, वो एप्लीकेशन है हमारा कैलकुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे सामने, और हम लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो समझते चले पहले हम लोग कि गैल्वेनोमीटर आखिरकार होता क्या है, उसका यूज़ क्या है हमारे लाइफ। कई बार क्या होता है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। क्यों? रीज़न ये, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। प्रोड्यूस तो होती है बॉस, लेकिन क्यों हम उसका पता नहीं कर पाते? रीजन कि वो इतनी माइनर होती है, बहुत छोटी होती है, कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। कोई भी एलईडी बल्ब या कोई भी छोटा सा इक्विपमेंट भी उससे नहीं चल पाता। इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, हमारा वो प्रोजेक्ट फेलियर में बन जाता है। तो क्या करें सर? तो हम एक काम करें, हम लोग एक ऐसी डिवाइस फॉलो करें कि जो बहुत छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर पाए। वो छोटी करंट को कौन डिटेक्ट करेगा? वो डिटेक्ट करेगा हमारा गैल्वेनोमीटर। आखिरकार गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत छोटी करंट को भी किसी सर्किट में क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। यानी द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज अ गैल्वेनोमीटर। अब क्वेश्चन ये बनता है सर कि आप हमें ये बताइए, क्या केवल वो डिटेक्ट ही कर सकता है या वो करंट को मीजर भी कर सकता है? मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि डिटेक्ट तो कर रहा है सर कि करंट आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है ये बता सकता है कि नहीं बता सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल बता सकता है। कितनी करंट को बता सकता है वो मैं आपको बताता हूं। वो जो करंट जो बता सकता है, वो बता सकता है आपसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इवन दैट 10^-8 यानी नैनो एम्पियर की करंट को भी वो बता सकता है। मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है, उसके साथ साथ में वो ये भी बता सकती है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो बहुत बड़ी करंट को, यानी बड़ी करंट को नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में, क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो कौन कौन सी, एक वो कर सकते हैं 10^-3 एम्पियर, यानी कि हम लोग कहें मिली एम्पियर। इसकी कहें मिली एम्पियर करंट, 10^-6 एम्पियर यानी कि माइक्रो एम्पियर, 10^-9 एम्पियर यानी कि नैनो एम्पियर करंट तक वो मीजर कर सकती है, कि इतनी करंट पर वो डिफ्लेक्शन दे सकती है। बहुत छोटा अमाउंट हो गया बॉस, बहुत छोटे अमाउंट को भी वो क्या कर सकती है, बता सकती है, डिटेक्ट कर सकती है कि हाँ सर कि इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया था हमने? इसका यूज किया था हमने गैल्वेनोमीटर ब्रिज के अंदर यूज किया था, और कहाँ भी यूज किया था, और हमने यूज किया था इसका व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर भी। कहाँ पर? जहाँ पर हमने उसे डायगोनल में लगाया था ना, एक जी करके लगाया होगा, डायगोनल ब्रांच में जी करके लगाया था, वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर था। क्या कर रहा था वो डिटेक्ट कर रहा था कि भाई उस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वो किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। आखिरकार चलो उससे पहले हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर होते कितने टाइप के, गैल्वेनोमीटर होते कितने टाइप के हैं। तो मैं आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। गैल्वेनोमीटर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या, एक में कॉइल में कॉइल मूव करेगी, एक में मैग्नेट मूव करेगी। मैग्नेटिक जो मूविंग मैग्नेट है वो हमारा इतना यूजफुल नहीं होता, और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपके पास में सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, सस्पेंड का मतलब लटका हुआ, और दूसरा होता है पिवोटेड, पिवोटेड मतलब फिक्स।
क्लियर है, यानी दो टाइप के हो गए, पहला आपका क्या हो गया सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा होता है हमारे पास में, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास में क्या, बताओ बताओ बताओ, दूसरा होता है हमारे पास में कौन सा, कोवेटेड यानी कि फिक्स। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो है हमारे पास में क्या, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। सस्पेंड करना मतलब कि क्या करना, उसको लटकाना। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपके सामने उसका डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, समझते रहिएगा। एक एक पार्ट का अपना स्पेशल काम होता है, उन पार्ट के काम को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में देखिएगा पहला जो हमारा टॉपिक है कि हमें क्या करना है, हमें बनाना है उसका डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने पास से होकर के गुजारना चाहती है। तो ये हमारे देखिए सॉलिड मैंने बना दिया, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे बेटा एक केस, लगाएंगे एक केस लगाएंगे, और ये केस किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। किसका होगा, एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का होगा। और एल्यूमिनियम हमें पता है कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में काम नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास आउट नहीं हो पाती। क्यों लगाते हैं इसका, जिससे कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आए, किसमें, इसमें आपकी कोर में, वो सिर्फ किसकी वजह से हो, करंट की वजह से, किसकी वजह से हो, करंट की वजह से हो। अब क्या करना है, अब करना है हमको इसमें क्या, इसमें अब हमें लगानी बेटा वाइंडिंग करनी है। क्या करनी है, वाइंडिंग करनी है। तो कर दीजिए सर वाइंडिंग, वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। हमने क्या किया, हमने इस पे कर दी बाइंडिंग, क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लोग लगाते हैं स्प्रिंग। क्या लगाते हैं हम लोग, यहां से लगाते हैं एक स्प्रिंग हम लोग लगाते हैं, और स्प्रिंग ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है किसकी, ये बनी है ब्रोंज, फास्फोरस, फास्फोरस ब्रोंज की, किसकी बेटा, फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। क्यों बनी होती है, क्योंकि इसका जो टॉर्शन कांस्टेंट होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, टॉर्शन कांस्टेंट इसका बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग इसमें, जैसे हमारे पास में ये था, हमने यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया, इस पर एक हमने लगा दिया मिरर। क्या लगाया है, मिरर लगाया है, और ये मिरर कौन सा होगा हमारे पास में, कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब इस कॉनकेव मिरर के साथ में हम इसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे, ऊपर टॉर्शन हेड से, इससे टॉर्शन हेड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको लेकर के आए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया टर्मिनल T1 से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब इसके बाद में अब हम लोगों को क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो लगाना पड़ेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया सर। ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर्थ, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्थ और साउथ हमने क्या लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड्स लगा दिए, क्लियर। अब यहां से हम इसको कनेक्ट करते हैं टर्मिनल T2 पर, किस पर, टर्मिनल T2 पर, यानी कि जो करंट के दो वायर होंगे ना, एक करंट का वायर पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, तो एक टर्मिनल T1 बनेगा, एक टर्मिनल T2 बनेगा, लगा दीजिए सर T2 पर, क्लियर है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगेंगी, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये है एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, फॉर्मूला कौन सा रहेगा, F=BIL लगेगा, BIL या BIL, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास फोर्स लगेगा, अब जब इसमें ये फोर्स लगेगा तो ये क्या कोई ट्विस्ट होगी यानी कि रोटेट करेगी, और रोटेट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं टॉर्क को, ले लीजिए टॉर्क को सर, टॉर्क लेंगे तो टॉर्क = कितना हो जाएगा हमारे पास में, बीना हो जाता है सर, कितना हो जाता है, बीना हो जाता है। याद रखिएगा मैं सारी क्वेश्चन को एक बार और बता दूंगा कि वहां पर हम लोग क्या क्या करते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, अब ये स्प्रिंग क्या करेगी इसको, भाई ये तो इसे रोटेट करा रहा है, और रोटेट करा रहा है, भाई इसको इसकी पुरानी कंडीशन में भी लेके आना पड़ेगा ना, इसको पुरानी कंडीशन में भी तो लौटा के लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक लैंप को, क्या लगाते हैं हम लोग, एक टॉर्च लगाते हैं, टॉर्च क्या करेगी, इस मिरर पर एक लाइट इफेक्ट को डालेगी, और यहाँ पे लगा हुआ हमारा स्केल, क्या लगा हुआ हमारा स्केल लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइट इस पर डिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ पर क्या करेगा वो, उसको रीडिंग बताना स्टार्ट करेगा कि
कितनी रीडिंग इसमें आ रही है। तो देखिएगा सभी का काम अलग अलग होता है, कौन कौन सा काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का होता है जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर आए, और ये जो मैं डार्क करके बना रहा हूँ ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम केस है। क्या है? एल्यूमिनियम केस है। अब इस एल्यूमिनियम केस के अंदर क्या होता है कि ये इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो आपका ये है कौन सा सॉफ्ट आयरन कोर है उस पर कोई भी डिफ्लेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना आए। टॉर्क के लिए हमने यहां से क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी आया, जैसे हमने टॉर्क के केस में पढ़ा था तो वहां से हम लोग इसके लिए टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क हमारे पास में कितना आएगा, बी ना आएगा, हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए होता है इसलिए हमने क्या लिखा है, बी ना लिखा। क्लियर। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद में हमारे पास में क्या कंडीशन आती है, अब हमें चाहिए इक्विलिब्रियम। क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए, यानी कि यहां का जो टॉर्शन इक्वेशन है वो किसके इक्वल चाहिए, टॉर्क के इक्वल। क्लियर है? टॉर्शन इक्वेशन में क्या होता है, टॉर्शन इक्वेशन में हमारे पास में आता है सी थीटा। कितना आता है? सी थीटा आता है। क्लियर। तो यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास में क्या आएगा, सी थीटा आएगा, और इक्वेशन में क्या होगा, इसे बोलो इक्वेशन बस, इसे बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, प्रति सर इक्वल। क्या हो जाएगा, सी थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, बी ना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी ना आ जाएगा। क्लियर। अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये हमारे पास में कॉन्स्टेंट है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट की वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वी बीना अपॉन सी। कितना हो जाएगा, बीना अपॉन सी हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा बच्चों, यहां पे क्या देखेंगे कि सर हमारे पास में बी हमारा कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहे हैं, कॉइल का एरिया चेंज नहीं हो रहा, और सी भी हमारा चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि थीटा यानी डिफ्लेक्शन जितना भी आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसको करेगा, करंट को करेगा, इसको करेगा करंट को करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ आई है। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, यानी कि जितना भी डिफ्लेक्शन शो होगा वो किसके लिए होगा, किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ वजह होगा किसका, करंट की वजह से। यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मिरर का काम क्या है, मिरर का काम है सर कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, मीटर पर शो करना है कि आप देखा कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में छोड़ा था, क्या क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि सर क्या ये बहुत लार्ज अमाउंट की करंट को मेजर कर सकता है। मैंने बोला था नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसका जो टॉर्शन है, टॉर्शन जो कॉन्स्टेंट है वो कैसा है, बहुत कम है। टॉर्शन इक्वेशन कैसा है, बहुत कम है। अब बहुत कम है, अगर इसमें ज्यादा टॉर्क लग जाएगा तो आज आपका ये क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो वायर है वो क्या करेगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा, और वो कोई भी मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ।